सर आपका परिचय क्या है? आप सबको सादर नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राजीव आजाद है, मैं पेशे से लेखक हूँ और एक देशभक्त व्यक्ति हूँ और शहीद आजम भगत सिंह विवेकानंद जैसे महानायकों से प्रेरित हूँ। अहमदाबाद में मैं लेखक का कार्य करता हूँ। आपकी यात्रा के उद्देश्य क्या है? मैंने यात्रा 8 सितंबर को शुरुआत किया था। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अपने देश का भ्रमण करूँ, युवाओं को मोटिवेट करूँ। मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं के अंदर क्रांति लाना, युवाओं के अंदर जागृति लाना और उनको ये बताना कि देश में असंभव कुछ भी नहीं है, हमारे समाज में असंभव कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ प्रयास करना है। मैंने 3 उद्देश्य लिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा था शहीदों का सम्मान, तीसरा था पर्यावरण बचाओ। यदि हम बेटियों की बात करें तो हर बेटी इस देश में कल्पना चावला बन सकती है, किरण बेदी बन सकती है, हिमा दास बन सकती है, हमें सिर्फ प्रयास करना है। ये देश फौजियों का सदा ऋणी रहेगा, यदि फौजी नहीं होंगे तो हम देश खुली सांस नहीं ले पाएंगे और बिना पर्यावरण के जीना बहुत मुश्किल है। तो मेरा प्रयास है युवाओं को मोटिवेट करने का। कहाँ से शुरू किया आप? मैंने यात्रा अहमदाबाद से शुरू की है, जिसको हम पश्चिम भारत का हिस्सा बोलते हैं, पूरे भारत से मैंने जोड़ दिया है। इस समय मैं बहुत ही सुंदर प्रदेश अरुणाचल में हूँ और आप मुझे अरुणाचल से देख रहे हैं। युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से जो मुझे देख रहे हैं इस समय, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, असंभव जीवन में कुछ भी नहीं है। हमें देश में कमी निकालने से पहले ये सोचना है कि हमने देश के लिए क्या किया। ये देश बहुत महान है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत कुछ है इसमें, देश में देखने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। अरुणाचल में आपका अनुभव कैसा रहा? अरुणाचल के बारे में कहना चाहूँगा, प्रथम बार मुझे ईश्वर की कृपा से आने का मौका मिला है और मैं अरुणाचल वासियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्वागत के लिए मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जिसको बोलते हैं बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है इस प्रदेश में आकर। एक उत्तर का जो हमारा छोर है, भारत का एक हिस्सा है, बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छा लग रहा है।